पार्वती धीरे धीरे विवाह योग्य हो जाती है। विवाह योग्य हो जाती है तो प्यारे प्यारे भक्तों, मैया समझा रहे हैं कि बेटा माँ दुर्गा की पूजा करिए लाड़ो, जैसे कि तेरे तय एक अच्छो सो पति मिले। क्या हुआ प्यारे भक्तों? पार्वती मैया पहले से भोले बाबा से लगन लग चुकी है। इधर विष्णु भगवान को पता चला तो ब्रह्मा जी आए, प्रभु अरे भैया जा में काक के रेंट तो छोड़ता हुआ है। हेलो प्रभु, कहिए। देखो करेला भगवान अरे भगवान इन्हें रोको ना, बहेंगे पीटा तारा लेके ढूंढो। ए वहीं के वहीं रहते रहो, जोर मारो चाहिए। ओ बराती प्रभु, ओ कहाँ तुम पहुंच जाओगे, बरात मत आओ। ओ बेटा वहीं रुक जा है। देख लियो पाल ले जी तो बहुत जोर पे आ रहा हुआ। ए भोले बाबा विष्णु भगवान, कहिए। देखिए हमने सुना है मैया सती ने जन्म लिया है राजा हिमाचल के यहाँ। अच्छा हाँ, तो हम चाहते हैं भोले बाबा को तपस्या से जगाया जाए। बिल्कुल। तो भक्तों, भोले बाबा को तपस्या से जगाने के लिए उन्होंने कहा था मुझे कोई तपस्या से उठाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो ये बात कामदेव और इनकी पत्नी रति को सौंपी गई थी। कामदेव ने भोले बाबा के सामने तमाम दुनिया बैंड बाजे बजवाए, भोजन यज्ञ करवाए, सब कुछ करवाया, पर भोले बाबा नहीं जगे। कामदेव ने क्रोध में आकर के अपने तीर से एक बाण छोड़ा तो भोले बाबा के तीसरी आंख जल गई और कामदेव जल करके भस्म हो गए। इधर रति भैया रोने लगी कि मेरा पति जलकर भस्म हो गया। तो विष्णु भगवान ने कहा देवी रुदन रख कीजिए, आने वाले समय में
पृथ्वी लोक पर आप अपने पति को अपनी गोद में खिलाओगी। इधर भोले बाबा, देखो भोले बाबा, कहिए। हमने सुना है मैया सती ने जन्म ले लिया। बोलो। हम सोच रहे हैं कि आप उनसे विवाह कर लें। हाँ हाँ भोले बाबा, हम भोले बाबा ब्याह हो तो क्या करे, देर बेर ब्याह करता देर बेर बच जाती है पत्नी। हाँ अरे एक बार और कर ले, अब की नहीं मरेगी। अच्छा नारा जी आप कह रहे हैं तो तुम्हारी बात मानेंगे हम। मुंह धो के बैठे हो बबले बेकु है। भोले बाबा ने कहा चलो ठीक है, पर इस बार मेरी पत्नी मरने नहीं चाहिए। विष्णु भगवान ने कहा जाओ हम आशीर्वाद देते हैं, अजर अमर अविनाशी हैं। इधर मैना रानी और मैना मैया। ओ लला। देखो हाँ, हमारे भोले बाबा जो है ना हाँ, आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। ब्याह कर दो ना। बहुत खुश। हाँ कर दे, हम नहीं करेंगे। पर्वत भरी तो हवा लगेगी, लय न कमरा मिले हो न कच्छ मिले हो रेवे को लय, और न गाड़ी आ गई वो तो नाथिया लेके आ गए। अरे कर दो तो, एक हमारे कहने से तो कर ही सकती। मैया बहुत सुंदर है वे। अच्छा लल्ला नारद हाँ, तो कह रहे हैं तो ले तुम्हारे कहने से कर दिया। ठीक है तो पंडित जी ने इधर भोले बाबा को तैयार किया। अब देखो कहते हैं और लोग कहते हैं कि भोले बाबा को हल्दी लगाई जा रही थी, बरना बनाया जा रहा था, लिक्रोसी हो रही थी, माता मैंने गाना गा रही थी, पर उनको क्या पता कि भोले कैलाश पर्वत पर तो कोई स्त्री नहीं थी। उनका कोई रिश्तेदार सुना है तुमने भोले बाबा का कि जिनकी चाची के चाचा है। आहा, हम भोले बाबा की फूफा हैं। दीवाला से मौके हाँ, करेला से मौके। चलो रामू ने आज बताया। तो भक्तों इधर माता बहना कैसे तैयार करती है बरना को? कैसे? अरे हम मैं